दोपहर में भी बिरयानी खाओ और शाम में भी बिरयानी खाओ। चलो तुम मत खाना, मैं रहने वाले की दीदी बैठी हुई वहाँ पर। और वही वाह, क्या बात है तुम्हारी, क्या चुन चुन के बोटियों के पीस निकाले थे तुमने प्लेट में, सब देख रही थी मैं। मना भी कर रही थी कि जुमे बिरयानी बनाने की जरूरत नहीं है। अरे कुरान खानी में खाएंगे तो सही बिरयानी, लेकिन हमारी सास को तो अपनी चलानी है। पता नहीं कब निजात मिलेगी इस बुढ़िया की हुक्मरानी से। जितनी तेज तुम्हारी जुबान चलती है ना, इतनी तेज अगर तुम्हारे हाथ भी चले तो ये बिरयानी कब की दम पर पड़ी होती। भैया है अम्मी, कहाँ जुबान चलाई है मैंने आपसे? हाँ आप ना हमेशा ना जिद लगाती है मुझसे, जो मैं कहती हूँ ना हमेशा उसको उल्टा करती है। अब अगर एक जुम्मे बिरयानी नहीं बनती तो क्या कयामत आ जाती घर में? अब देखो जरा, दोपहर में भी बिरयानी खाओ और शाम में भी बिरयानी खाओ। चलो तुम मत खाना, गुलशन आरा के यहाँ जाके जितना तुम्हारा जी जाएगा तुम बिरयानी खाना, मगर घर के बाकी लोग जो हैं वो भी तो इंतजार करते हैं ना जुम्मे का, कि जुम्मे को बिरयानी मिलेगी खाने को। बाकी लोगों के लिए भी वो भेजेगी बिरयानी, पक्की सहेली बन गई है मेरी, 3 ट्रे भेजेगी देखना। अज़रा ये क्या जिद लगा लिया तुमने, जबरदस्ती उस औरत के पीछे पड़ गई हो भाई, मोहल्ले में नई नई आई है, क्या समझेगी वो हमें? अच्छा आप खड़ी क्यों हैं? जाए जाके नमाज पढ़े, मेरे सर पे सवार मत हो, मुझे उलझन हो रही है। आपका वजीफा खत्म होने से पहले बिरयानी की खुशबू आपकी नाक तक पहुंच जाएगी, जाइए। हाय अल्लाह भाई, पता नहीं कैसा खाना था, कसम से खाते ही मेरा दिल मत लाने लग गया है। अरे लग रहा है यहाँ हलक में अटका हुआ है, मुझे तो लगता है कि बहुत ही कोई गंदा घी और तेल इस्तेमाल किया गया था खाना पकाने के वक्त। नहीं अज़रा, खाना तो बहुत अच्छा था, वैसे ना तुमने खास ज्यादा लिया, मैं तो तुम्हें रोक रही थी लेकिन लगता है कि खाना खाते हुए ना तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। अरे हाँ भाई, जरा तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम मुझे खाने से क्यों बार बार रोक रही थी, जैसे तुम्हारे घर का खाना खा रही हूँ मैं, और खुद 3 प्लेटें डकार गई तुम बिरयानी की है। वहाँ पे सिपारा पढ़ने गई थी कि खाना खाने गई थी, ऊपर से मुझे कह रही हो मेरे निवाले की दीदी बैठी हुई वहाँ पर। और वही वाह, क्या बात है तुम्हारी, क्या चुन चुन के बोटियों के पीस निकाले थे तुमने प्लेट में, सब देख रही थी मैं। अज़रा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, जाओ जाके आराम करो। नहीं भाई नहीं, मैं अंदर नहीं जा रही, अंदर बहुत गर्मी है, मैं तो यहीं बैठूंगी हाँ ठंडक में। वैसे बाजी आपको ये लोग कैसे लगे, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। भाई सच्ची बात है कि मुझे भी समझ में नहीं आए। अबे जरा मुझे ये बताओ शहनाज, तुम्हें हर एक में कीड़े क्यों नजर आते हैं? तुम्हें ऐसा लगता है कि इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ तुम ही अफजल हो, सबसे बेहतर तुम ही हो, बाकी सब बेकार लोग हैं? और जरा ये भी बता दो कि क्या बुराई नजर आ गई तुम्हें उस बेचारी में? कितनी मोहब्बत से तो गुलशन आ राव भगत कर रही थी, ये ले लो, ये खा लो, ये भी लो, वो भी लो, अब क्या तुम्हारे मुंह में निवाले देती हो? उस बेचारी ने पूरे का पूरा घर तो अपने मायके से भरा हुआ था, ससुराल का तो कोई एक भी नजर नहीं आ रहा था, और वो सास बेचारी एक कोने में मासूम सा चेहरा बना के सबको देख रही थी। और तो और बाजी, उसे तो किसी ने खाने तक का नहीं पूछा। तौबा तौबा तौबा, भाई तुम तो पूरे घर का एक्सरे निकाल कर आई हो हैं। वहां से पारा पढ़ने गई थी कि टोल लेने गई थी, पता भी है टोल लेने वाली औरतों के लिए कितनी सख्त सजा है, और इतनी ज्यादा हमदर्दी हो रही थी ना उसकी सास से, तो खुद ही खाना खिला देती उस बुढ़िया को। बाजी, बेबी, बेबी, बाजी।